विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों का शासन हुआ, चार राजवंश का सीरियली क्या है वो आप भूल जाते होंगे, तो उसी के लिए मैंने एक ट्रिक लाया है कि ट्रिक है संगम सतुआ। देखिए ट्रिक है संगम सतुआ, यानी अगर आप इसे बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे दो चार बार पांच बार तो आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर लेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से जो सीरियली होता है विजयनगर साम्राज्य का कि कौन से राजवंश का शासन हुआ किसके बाद, वो आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहला जो हुआ है आपका विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला जो शासन हुआ वो हुआ संगम वंश का, सबसे पहला जो शासन हुआ वो हुआ संगम वंश का। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो संगम के बाद आपका दूसरा आ जाता है सालू वंश, दूसरा जो हुआ वो सालू वंश का हुआ, दूसरा सालू वंश का। तू से आ जाता है तुलु वंश, यानी तीसरा जो आ गया आपका वो तुलु वंश, विजयनगर साम्राज्य में तीसरा राजवंश का जो शासन हुआ वो तुलु वंश का हुआ। और सबसे लास्ट जो आ जाता है आपका आरविडु वंश, आरविडु वंश। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से वंश विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, तो देखिए सबसे पहला हुआ संगम वंश का शासन, उसके बाद सालू वंश का, उसके बाद तुलु वंश का, उसके बाद आरविडु वंश का। तो विजयनगर साम्राज्य में इसी चार राजवंश का शासन हुआ और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। तो आशा करेंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से आप विजयनगर साम्राज्य के चारों राजवंश को याद रखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।